जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या कप्तानी वाली टीम T20 सीरीज में कब्जा कर लिया है। हार्दिक पांड्या ने यह दिखा दिया कि कप्तान बनने के सारे गुण उनके अंदर हैं। अब रोहित शर्मा ने भी पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, अपनी कप्तानी बचाने के लिए रोहित शर्मा ने श्रीलंका टीम को कुचलने के लिए 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। प्लेइंग 11 तो हम बताएंगे ही, साथ में वनडे मुकाबले का पूरा कार्यक्रम भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा अपने कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे सीरीज जिता पाएंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में T20 सीरीज में श्रीलंका को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारतीय फैंस के लिए नए साल में खुशी का माहौल बन गया है। दोस्तों, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार सीरीज जीत रही है, अगर रोहित शर्मा ने अच्छा नहीं किया तो कप्तानी पर खतरा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि रोहित शर्मा T20 की कप्तानी करते नहीं दिखेंगे, हमेशा हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे। BCCI भी सिर्फ युवा टीम पर भरोसा जताना चाहती है। दोस्तों, रोहित शर्मा का पत्ता T20 से कट गया है। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बने रहना है तो हर हाल में श्रीलंका से सीरीज जीतना होगा, क्योंकि दोस्तों इसी साल वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है और रोहित शर्मा के पास बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिन्हें रोहित शर्मा को पार करना होगा। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा इन चुनौतियों को में फेल हो गए तो हार्दिक पांड्या को वनडे का कप्तान बना दिया जाएगा। इसलिए रोहित शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज किसी हाल में जीतना होगा। दोस्तों, श्रीलंका की टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में T20 सीरीज गवा कर आ रही है। वो नहीं चाहेगी कि वनडे सीरीज भी हारें। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को T20 जैसा ही वनडे सीरीज पे कब्जा कर नए साल में जीत का आगाज करना होगा, ऐसा रोहित शर्मा चाहेंगे। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए किन 11 भूखे शेरों को कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में जगह दी है। दोस्तों, आपको बता दें, ओपनिंग में ईशान किशन के साथ कप्तान खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और अर्धशतक ठोक दिया था, जबकि दोस्तों रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी थी, नहीं तो भारतीय टीम मैच जीत जाती। ऐसे में अब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाना होगा। वहीं ईशान किशन की बात करें तो लंका के खिलाफ T20 सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप रहे थे। लेकिन दोस्तों, सभी को पता है ईशान किशन कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो किंग कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस समय विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में हैं। अभी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाया था, वैसे ही श्रीलंका गेंदबाजों की कुटाई करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वहीं चौथे नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों, सूर्या की बल्लेबाजी देखकर लंका की टीम दहशत का माहौल बन गया है। जिस तरीके से अभी हाल ही में T20 सीरीज में आखिरी मुकाबले में महज 45 गेंदों में शतक ठोक दिया था और इतिहास रच दिया था, सूर्या को लंका की टीम नहीं भूल सकती। दोस्तों, अब आपको वनडे सीरीज में हमें सूर्या की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वहीं पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आएंगे। श्रेयस अय्यर भी अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा दिखा चुके हैं। दोस्तों, वहीं छठे नंबर की बात करें तो T20 के कप्तान और वनडे के उपकप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी व गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जो अभी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार खेल दिखाया था और उन्हें T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। वहीं दोस्तों, स्पिन चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में जगह दी है, जो बांग्लादेश के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 8 विकेट ले लिए थे। दोस्तों, अब तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी, अश्वदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, दोस्तों जसप्रीत बुमराह अकेले ही लंका टीम की बैंड बजा देंगे।
दोस्तों आपको बता दें, रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए 5 बल्लेबाजों के साथ 2 ऑलराउंडर व 4 मुख्य गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, पहले वनडे मुकाबले में इस प्लेइंग 11 के साथ भारत जीत पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।